शरारती पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद करते हुए दो लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि शरावती जनपद की तेज तर्रार एसपी प्राची सिंह के निर्देश में जिले में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने दो अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि सोमवार को कोतवाली भिंगा के प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह टीम के साथ वांछितों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर नौसारा पुल के पास से एक व्यक्ति के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया। बरामद तमंचा व कारतूस को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान फकीरे पुत्र राम सुंदर निवासी चकवा बिंडोवा कोतवाली भिंगा के रूप में हुई। वहीं इसी तरह से सोनवा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सलीम पुत्र ताहिर खान निवासी लुनियन प्रवा थाना सोनवा को एक अदद तमंचा दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सलीम के खिलाफ जनपद व अन्य जनपद में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर अमर्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गौ वध अधिनियम, चोरी आदि विभिन्न धाराओं से संबंधित 17 मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।